नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लालू प्रसाद यादव से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बताएं, आज राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भारत लौट रहे हैं। सिंगापुर से उनकी ताज़ा तस्वीरें सामने आई है और ये तस्वीर साझा करने वाली कोई और नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव की दूसरी नंबर की बेटी यानी डॉक्टर रोहिणी आचार्य हैं। डॉक्टर रोहिणी आचार्य लगातार लालू प्रसाद यादव के सारी अपडेटें साझा कर रही हैं और हालिया अपडेट जो उन्होंने साझा किया है वो सिंगापुर एयरपोर्ट से निकल कर सामने आ रहा है, जहाँ आपको हम विजुअल्स दिखाते हैं। देखिए, सिंगापुर एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं, उनकी दोनों बेटी यानी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी मौजूद है, अपने पिता को टाटा बाय बाय करने आई हैं। और आज लालू प्रसाद यादव भारत लौट आएंगे, अपने धरती यानी अपने जन्मभूमि पर लौट आएंगे। बैक टू बैक रोहिणी आचार्य ने ढेर सारी ट्वीट भी की है लालू प्रसाद यादव से जुड़ी, क्या कुछ वो अपडेट दे रही हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है। खासकर बिहार के लोगों से उन्होंने एक आग्रह किया है, क्या आग्रह है हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आता है उसमें वो अपने पिता के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करती हैं और लिखती हैं, आप सबसे एक ज़रूरी बात कहनी है, यह ज़रूरी बात हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है। 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा रहे हैं, मैं एक बेटी के तौर पर अपना फ़र्ज अदा कर रही हूँ, पापा को स्वस्थ कर आप सबके बीच भेज रही हूँ, आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। फिर एक और ट्वीट आती है जिसमें वो अपने और अपने पिता की एक तस्वीर साझा कर लिखती है, निभा कर अपना फर्ज, हमने अपने ईश्वर स्वरूप पापा को बचाया है, आगे आप लोगों की बारी है, जन जन के नायक को रखना सेहत की निगरानी है। फिर ट्वीट कर रोहिणी आचार्य लिखती हैं, आप सबसे एक ज़रूरी बात कहती हूँ, यह ज़रूरी बात हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है। चिकित्सकों ने कहा है कि पापा को इन्फेक्शन से बचाना होगा, ज़्यादा लोगों से मिलने को लेकर चिकित्सकों ने मना किया है। चिकित्सकों ने कहा है कि यदि किसी से मिलना भी है तो सबको मास्क पहनकर मिलना है, पापा भी जब किसी के से मिले तो मास्क पहन ले, ऐसा डॉक्टरों ने सलाह दिया है। पापा के प्रति आप सबों का प्यार असीम है, मैं अपने तरफ से आप सबों से यह कहना चाहती हूँ कि भारत पहुँचने के बाद पापा से जब भी आप सभी मिले तो मिलते वक्त सावधानी बरतें, सभी मिलने के समय मास्क लगाएं और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने में हमारी मदद करें। फिर रोहिणी आचार्य की एक और ट्वीट आती है जिसमें वो लिखती हैं, जान भी कम है उनके चरणों में, ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा है पापा का इस दुनिया में, और दो तस्वीर साझा की हैं। और जो हालिया ट्वीट रोहिणी आचार्य ने किया है वो आपको बताया सिंगापुर एयरपोर्ट की है, जहां सिंगापुर एयरपोर्ट से लालू प्रसाद यादव भारत के लिए रवाना हुए हैं, पीछे मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दिख रही हैं। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव की एक तस्वीर साझा करते हुए रोहिणी आचार्य लिखती हैं, करबद्ध निवेदन है आप सबसे, बस इतनी विनती स्वीकार करें, एक बिटिया के तप को न जाने देना व्यर्थ कभी, मेरे पापा की सेहत का ख्याल रखना आप लोग सभी। तो देखिए, और एक और ट्वीट रोहिणी आचार्य करती हैं, उसमें वो लिखती हैं, दुआ का रंग नहीं होता मगर ये रंग ले आती है, मन का विश्वास न टूटे हमारा, यही आस है आप लोगों से हमारा। तो देखिए, लगातार बैक टू बैक कई सारे ट्वीट कर और लालू प्रसाद यादव से जुड़े सारी अपडेट्स जो है वो रोहिणी आचार्य दे रही हैं। और हालिया अपडेट जो सामने आई है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से रवाना हो गए हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं और ये सारी तस्वीरें जो है वो रोहिणी आचार्य ने साझा किया। दरअसल आपको बताएं, लालू प्रसाद यादव कई दिनों से बीमार चल रहे थे, अस्वस्थ चल रहे थे। सिंगापुर के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन अस्पतालों में से एक माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ और उन्हें किडनी देने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी दूसरी नंबर की बेटी यानी उनकी सबसे लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दिया। आपको पता है, रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव दोनों अब स्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ लाभ लेने के बाद लालू प्रसाद यादव अब दिल्ली यानी भारत लौट रहे हैं और सारा अपडेट्स जो है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली जब लालू प्रसाद यादव आ जाएंगे हम आपको इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।